हम सब के सब अगर बच भी गए पर शायद हमारी आगे वाली जनरेशंस ना बच पाए। ओ हेलो, व्हाट आर यू सेइंग? बिकॉज़ क्लाइमेट चेंज इज रियल। हाँ, जलवायु परिवर्तन असली है और इसे हम सब ने देखना शुरू भी कर दिया। प्लीज इस वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है कि कैसे हम सब इस क्लाइमेट चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। प्रॉब्लम के साथ मैं इस वीडियो के एंड में बहुत अमेजिंग सॉल्यूशंस भी बताऊंगा। अगर आपको मेरा काम पसंद आए तो प्लीज मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस कीजिए। फरवरी के महीने में उत्तराखंड में ग्लेशियर पिघलने से बाढ़ आना, उड़ीसा के सिमलीफाल फॉरेस्ट में आग लगना कोई कोइंसिडेंस नहीं है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, पहले भी हमने ऑस्ट्रेलियन बुश फायर और अमेज़न फॉरेस्ट फायर देखे। ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ने की वजह से हम दुनिया का बिगड़ता बैलेंस देख सकते हैं। कुछ लोगों को शायद बुरा लगे और कुछ लोग शायद एक्सेप्ट भी ना करें, बट इन सब के लिए हम सब के सब रिस्पॉन्सिबल है। लेट मी एक्सप्लेन यू, ये क्लाइमेट चेंज है क्या। जो ग्राफ आप देख रहे हैं ये हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल्स हैं, जो कि 1000-2000 साल पहले तक कांस्टेंट थे। और ये जो एकदम से बढ़ते लेवल्स आप देख रहे हो ये ईयर 1800 में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद के। कार्बन डाइऑक्साइड लेवल्स लगातार 1950 के बाद अपने रिकॉर्ड्स तोड़ रहे हैं। व्हाई? साइंटिस्ट कहते हैं क्लाइमेट चेंज और CO2 लेवल बढ़ने के पीछे 95% ह्यूमन एक्टिविटीज इन्वॉल्व्ड। हम सभी बिलियंस ऑफ टन्स में फॉसिल फ्यूल्स जैसे ऑयल और कोल यूज करते हैं अपनी जरूरतों को पूरी करने के लिए, जैसे कार बाइक्स यूज करना, कोल और ऑयल यूज करके इलेक्ट्रिसिटी बनाना, इन सब के एग्जांपल्स। पिछले 70 साल में दुनिया की पॉपुलेशन 3 गुना बढ़ गई है। और इससे होता क्या है, जितने ज्यादा लोग उतनी ज्यादा कंजम्पशन, ज्यादा फॉसिल फ्यूल्स, विच मींस एटमॉस्फेयर में ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी। जब ये कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में रिलीज होती है और सूरज की किरणें बाहर से अंदर आती है, ये ही पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में कैप्चर हो जाती है और इसकी वजह से पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है। इसे कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। पिछले 200 साल में पृथ्वी का टेम्परेचर ओवरऑल 1 डिग्री से बढ़ा। यूनाइटेड नेशंस कहती है अगर पृथ्वी का टेम्परेचर अगले 100 साल में 1 या 2 डिग्री भी बढ़ जाएगा तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम ये है कि ये टेम्परेचर अब 100-200 साल में नहीं बढ़ेगा, ये सिर्फ 15-20 साल के अंदर बढ़ जाएगा और कॉन्टिन्यूसली इसी रेट से बढ़ता रहेगा। ये सीरियस प्रॉब्लम। फरवरी के महीने में जब उत्तराखंड का टेम्परेचर 2-3 डिग्री होता है, ग्लेशियर्स कैसे अपने आप पिघल सकते हैं? उड़ीसा के सिमलीफाल फॉरेस्ट में जो आग लगी वो आग यूजुअली फॉरेस्ट में देखने मिल जाती है। यूजुअली फॉरेस्ट में ड्राई लीव्स होती है और ये आग हाई टेम्परेचर्स की वजह से लग जाती है। और ओवरऑल देखा जाए तो ये आग मोस्टली मई या जून के महीने में लगती है, जो विदिन 2-4 डेज मानसून में बारिश पड़ने की वजह से बंद हो जाती है। कंसर्न ये है कि ये आग मार्च के महीने में कैसे लग गई, बिकॉज मानसून अभी बहुत दूर है। दिस इज बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज। पृथ्वी का टेम्परेचर लगातार बढ़ रहा है और एग्जाम्पल्स हमारे सामने है। प्रॉब्लम्स को जानकर और उनका जल्द से जल्द सोल्यूशन ढूंढकर रिस्पॉन्सिबल ह्यूमन की पहचान है। तो हम सब अब क्या कर सकते हैं? ग्लोबल पॉपुलेशन लगातार बढ़ रही है, लैंड यूज का प्रॉब्लम भी बढ़ता ही रहेगा और पेड़ भी कटते ही रहेंगे। शायद मोस्टली लोगों के लिए बाहर जाकर पेड़ लगाना इतना कन्वीनियंट नहीं होगा और इसका सोल्यूशन है ग्रीनिंग वर्टिकली। हमें अपने घर में या घर की छत पे जहाँ एक्स्ट्रा जगह मिले वहाँ हम छोटे छोटे प्लांट्स लगा सकते हैं। ग्रीनिंग वर्टिकली दिल्ली बॉम्बे जैसी जगह में काम में आ सकती है जहाँ ट्रीज प्लांट करने के लिए अब ज्यादा स्पेस नहीं बची। ये मनी प्लांट घर में पैसे का गुड लक लाए ना लाए, पर ये छोटा दिखने वाला प्लांट और प्लांट से 50% ज्यादा ऑक्सीजन देता है और हार्मफुल गैसेस जैसे टॉलिन और बेंजीन को खत्म करता है। गेरबेरा डेजी नाम का ये प्लांट 55% तक ज्यादा ऑक्सीजन देता है। इस पौधे की वजह से स्लीपिंग डिसऑर्डर्स भी ठीक हो सकते हैं। प्लांट दिस इन योर बेडरूम। महीने में अगर हम एक प्लांट भी लगाएं तो साल में 12 होते हैं। सोचो ये सब हम मिलकर करें तो। नंबर 2, इको फ्रेंडली लाइफस्टाइल हमें अपने बच्चों को सिखाने से शुरू करना होगा। उन्हें ये समझाना होगा कि कैसे फॉसिल फ्यूल्स को जलाकर इलेक्ट्रिसिटी आती है। जितना हो सके उतनी इलेक्ट्रिसिटी यूज करो, बाद में बंद कर दो। इससे इको फ्रेंडली लाइफस्टाइल के अलावा इलेक्ट्रिसिटी बिल भी कम आएगा। नंबर 3, जो बचा कुचा खाना आप फेंक देते हो इसे कम से कम 10-15 दिन लगते हैं डीकम्पोज होने में। इतने में खराब होकर ये मीथेन गैस प्रोड्यूस करता है जो हमारे एनवायरनमेंट के लिए कार्बन डाइऑक्साइड से भी ज्यादा हार्मफुल है। जितना हो सके खाने को वेस्ट ना करें। बचे हुए खाने को किसी जानवर या चिड़िया को दे सकते हैं। राइस बर्ड्स और स्क्वायरल्स बहुत मजे से खाती हैं। इको फ्रेंडली होने के साथ एनिमल फ्रेंडली भी हो जाओ। इट रियली फील्स गुड। ट्राई वंस। जब हम कोई काम रोज करते हैं तो हमारी एक हैबिट बन जाती है और यही सही वक्त है एक अच्छी आदत बनाने का। कल परसों से नहीं, आज से ही शुरू कीजिए। शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, टैग योर फ्रेंड्स। ये वीडियो अपने पेरेंट्स को दिखाइए क्योंकि समाज की जनरेशन कल का भविष्य है।